Subscribe to Movie Talkies and click on the bell icon for latest updates. शिल्पा ऐसा नहीं लग रहा है कि अभी तो खत्म हुआ था और यू नो वापस से सेकंड सीजन शुरू हो गया इतने जल्दी. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत उतावली हो रही हूँ देखने के लिए कि इस बार हमारे सुपर डांसर्स कौन है, बिकॉज आई थिंक नाइंसाफ़ी होगी अगर मैं कहूँ कि सिर्फ एक ही जो फाइनलिस्ट होता है वो सुपर डांसर होता है, बिकॉज जो हिस्सा लेने वाले हैं हमारे कंटेस्टेंट्स एक से एक बढ़कर है. फिर आखिर में जिनको सबसे ज़्यादा वोट्स मिलता है वो उस पर निर्भर करता है एंड ऑल ऑफ दैट. बट जो हमारे फिनाले तक पहुँचने वाले कंटेस्टेंट्स हैं, आई थिंक ऑल ऑफ देम आर वर्दी ऑफ बीइंग कॉल्ड सुपर डांसर्स. कहीं ना कहीं सीजन 1 हैज बीन मैम मैम यस होने दो, अच्छी बात है क्योंकि इस बार ऑडिशन से ये खबर मिली है मुझे कि माइंड ब्लोइंग कंटेस्टेंट्स मिले हैं हम लोगों को. एंड क्योंकि आई थिंक एक सीज़न गया है, लोगों ने देखा है, तो जो हमारे प्रीवियस कंटेस्टेंट्स रहे हैं जैसे लक्ष्मण, मासूम, दित्या, वो बेंचमार्क से हो गए हैं एंड दे बिकम लाइक लेजेंडरी अमंगस्ट चिल्ड्रेन, यू नो. तो जो बच्चे हैं वो कॉपी कर रहे हैं लक्ष्मण ट्वेल्स को और कार्टवील, लक्ष्मण के कार्टवील्स को. मासूम वेव्स करने के लिए बच्चे वेट कर रहे हैं लाइन में. सो इट्स रियली अमेजिंग, एक बेंचमार्क सेट हो गया है शो के लिए. एंड आई थिंक एज अ जज मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं एक ऐसे शो का हिस्सा हूँ जहाँ पे बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि अपने टैलेंट को शोकेस करें. जैसे आपने कहा कि एक मार्क सेट कर लिया है, अब आपको लगता है कि अब और ज़्यादा जिम्मेदारी एज ए जज आपको बढ़ गई है? देखिए आई थिंक हम लोग अपनी जिम्मेदारियाँ बखूबी निभा रहे थे प्रीवियस सीजन में भी बिना कोई एक्सपेक्टेशन. आई थिंक अच्छी बात यह है कि जो जजेस का पैनल है एक बहुत ही अच्छा मिश्रण है, बहुत ही बैलेंस मिश्रण है और बहुत हंसी मजाक भी है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है क्योंकि ये एक आम शो नहीं है, बच्चों के साथ डील करता है. और आई थिंक एक माँ होने की हैसियत से मैं जानती हूँ कि बच्चों के एक मैं अपने बच्चे के साथ बहुत अलग तरीके से डील करती हूँ, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ़ हिज एज, बिकॉज ऑफ़ हिज माइंड. और बच्चे जो है ना स्पंज जैसे होते हैं, सो दे अब्जॉर्ब थिंग्स वेरी क्विकली, दे वेरी इमोशनल, बहुत सेंटिमेंटल होते हैं. तो मैं ख़ास तौर पे ध्यान देकर मैं अपने जजमेंट देती हूँ. तो टू अ पॉइंट एक्चुअली आई एम समटाइम्स इवन बायस क्योंकि हमारा जो शो है हम लोग डांट फटकार के बच्चों को नहीं बोल सकते आप इसमें इम्प्रूव करिए. तो हम लोगों का जो बात करने का तरीका भी है बहुत अलग है दूसरे शोज से. सो वी ऑलवेज से दैट यू नो गो होम प्रैक्टिस. और इस बार का जो टेक अवे है बहुत ही अच्छा है, इट्स मैजिक मेहनत में है. अच्छा क्या रीज़न है कि यहाँ पर जब जजेस हैं इनके बीच में ना अनबन नहीं होती बाकी के लिए? क्यों ऐसे बोल रहे हो? बाकी के रियलिटी शोज में ना शिल्पा थू बाकी के रियलिटी शोज में ना बात नहीं करते आपस में, किसी को किसी का कमेंट पसंद नहीं आता है, बट यहाँ पर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन. यहाँ पर बहुत ज़्यादा मैंने बहुत सारे रियलिटी शोज किए हैं, मैंने बहुत सारे डांस शोज को जज किया है ऑन ऑल डिफरेंट चैनल्स. मेरी सारे जजेस के साथ बहुत अच्छी बनी है पास्ट में और अब भी. सो आई लाइक आई सेड एक दोस्ती है, एक कमराडरी है हमारे सेट्स पे और बहुत मज़ा करते हैं हम लोग. स्टाइलिंग आपकी बहुत चर्चा में रहती है जब एपिसोड में कि आज क्या पहनने वाले हैं शिल्पा. यून घर पे जो सास बहू के सीरियल्स देखते हैं उनको भी बहुत इंटरेस्ट है कि शिल्पा क्या पहनेगी. अच्छा डिस्कशन होता है तो इस बार क्या डिफरेंट सोचा? यहाँ इस बात को लेकर मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर है. मुझे कंटेस्टेंट्स को लेकर या शो को लेकर कोई डाउट नहीं है कि हम लोग सबसे बेहतरीन शो हैं और सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंसेस टर्न आउट करते हैं हमारे डांसर्स. और जो कंटेंट है हमारा शो का वो बहुत ही कमाल है. लेकिन जहाँ तक मेरी स्टाइलिंग की बात है, मेरी जो स्टाइलिस्ट है वो बहुत प्रेशर में आती है कि आज अब क्या पहने. या एंड इट्स आई थिंक एक कॉम्प्लीमेंट के तौर पे लूँगी अगर लोग सोचते हैं या लुक फॉरवर्ड करते हैं कि आज शिल्पा क्या पहनने वाली है. क्यों मैं हर बार ट्राई करती हूँ कि मैं एक अलग ट्रेंड सेट करने की कोशिश करूँ.
यहाँ के बच्चे ना अभी सिर्फ डांस जब रियलिटी शो खत्म होता है कहीं गायब हो जाते हैं, लेकिन ये बच्चे कहीं ना कहीं बहुत नाम कमा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे हर जगह? अच्छी बात है, बहुत सारे ऐसे बच्चे आए हैं हमारे शो पे जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे अपने ट्रेनिंग को, चाह तो बहुत रखते हैं कि वो लोग अपने टैलेंट को, अपने हुनर को और पॉलिश करें, लेकिन ना उनको कोई समझ थी या शायद डायरेक्शन नहीं था। एंड आई थिंक सोनी टीवी और सुपर डांसर के प्लेटफॉर्म ने एक ज़रिया ही नहीं, आई थिंक एक अपॉर्चुनिटी दी है इन बच्चों को टू कम आउट एंड शो देयर टैलेंट। और आई थिंक डांस को आप नेगेटिव तरीके से देख ही नहीं सकते। हाँ, मैं नेगेटिवली उन पेरेंट्स को देखती हूँ जो अपने बच्चों को फोर्स करते हैं टीवी शो में हिस्सा लेने के लिए या ढकेल रहे हैं शायद पैसा कमाने के लिए। लेकिन हमारे शो पे बहुत जो भी ऊपर आए हैं पिछले सीज़न में वो अपने टैलेंट की वजह से आए हैं, वो इसीलिए ऊपर आए हैं क्योंकि वो वहाँ पे परफॉर्म करना चाहते थे मन से, एंड दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट इमोशन, क्योंकि आप डांस सिखा नहीं सकते किसी को, आइदर यू हैव दैट टैलेंट और यू डोंट। और सुपर डांसर बनने के लिए यू हैव टू हैव दैट एक्स्ट्रा बिट ऑफ टैलेंट। चलिए, पापा का आगमन होने वाला है, शिल्पा जी कैसे तैयारी कर रही हैं आगमन के लिए? मैं एक्चुअली हर साल, मैं पिछले ये हमारा आठवां साल होगा, लेकिन इस बार मैं नहीं सेलिब्रेट कर पाऊँगी बिकॉज आई लॉस्ट माई फादर, तो एक बरसी कंप्लीट होने के बाद देना, बट वो जो फेथ है वो हमेशा रहेगा। थैंक यू सो मच। श्रावण रमजान दो हैंगर अपसाइड डाउन, खाना निकल किधर गया, लास्ट सीजन भी सेम था। वन कभी प्रेशर्ड नहीं होता है क्योंकि उम्मीद नहीं थी, बेंचमार्क्स नहीं थे, अब ऐसा हो गया आफ्टर सीज़न वन एंड इट्स सक्सेस, मुझे लगता है ये सीज़न हमारे लिए ज़्यादा प्रेशर रखेगा। वी हैव टू गेट बेटर टैलेंट, वी हैव टू सी बेटर टैलेंट, सो आई थिंक दैट हम ज़्यादा देखने के लिए एंथुसियास्टिक हैं। तो सीज़न वन तो फाउंडेशन था, नींव सही रख दी गई है, अभी इमारत तो सीज़न टू से बनना शुरू होगा, अभी इमारत कितने माले का होता है ये तो पता चलेगा जितना शो आगे बढ़ेगा। I love the way you formulated it. Love it. Right. Any more questions you guys have? Done. No. We are yet to do. Okay. Next question is ki kitni masti kitna dhamaal aap judges ke beech mein hone wala, because you know season 1 ki ek khoobi ek khasiyat ye bhi nikli thi ki you people are so friendly. Koi jhagda nahi kuch nahi, to is season mein hum kya ummeed kar sakte hain? Inhone already ek statement de chuka hai. Is baar jhagda hoga. Pichli baar humne plan nahi kiya tha ki aisa hum rahenge ek dusre ke sath, to ye season bhi plan karke nahi jayenge. ये इनके मन की बात मन में रह जाएगी कि आज झगड़ा होगा या इस बार झगड़ा होगा, कुछ नहीं होगा। हाँ, कोशिश करेंगे झगड़ा करने की। हाँ, कुछ करेंगे। ओके। क्योंकि क्या है, बहुत ज्यादा हम लोग बहुत जो अच्छे हैं ना, नहीं हम लोग सब एक दूसरे से एग्री करते हैं, व्हिच बिकम्स वेरी बोरिंग समटाइम्स, बहुत बोरिंग हो जाता है। जिस बार मैं सोच के रखा हूँ अंदर से एग्री करने से ऊपर से बताऊँ एग्री नहीं करता, आई एम गोइंग टू डिसएग्री विद एवरीबॉडी। ओके, वन मोर थिंग। ओके, I disagree with you right now. चलिए, लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस मतलब बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स मिला है, इस ईयर आपको लगता है कि ज़्यादा तैयारी करके आएंगे? सुना तो है बहुत अच्छे बच्चे हैं और फिलहाल अभी देखा नहीं है, तो देखिए हम तो सिर्फ शो पिछले बार हिट हुआ था बच्चों को, ऐसे हम सिर्फ जरिया हैं, वी आर लाइक सिटिंग देयर। तो इस बार भी मुझे लगता है कि क्योंकि पिछले बार नया शो था, हमेशा ऐसा होता है कि आप सीजन वन के बाद सीजन टू में टैलेंट हमेशा अच्छे आते हैं, तो इस बार उम्मीद है बस इतना ही प्यार हम पर निछावर करें पिछले सीजन के जैसे इस सीजन में भी, और हम आपको निराश नहीं करेंगे, ये वादा है। सीजन टू चैप्टर टू।